हरदा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश की इंदौर रीजन में सराहनीय कार्य किया है। बैंक में आउटरीच कैंप के इस दौरान मुख्य महाप्रबंधक राजीव मिश्रा, जोनल हेड्स बीपी दास, क्षेत्र प्रमुख लालवानी की उपस्थिति में हाउ टू रीच कैंपेन संपन्न हुआ। बैंक में मध्य प्रदेश में महिलाओं के उत्थान के लिए और सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिलाओं को इलेक्ट्रिक रिक्शा का फाइनेंस किया गया। महिलाओं को इलेक्ट्रिक रिक्शा का फाइनेंस किया। महिलाओं ने बहुत प्रसन्नता से ई रिक्शा की चाबी ग्रहण करी और उसको चलाते हुए आगे बढ़े, जो ये दिखाता है कि मध्य प्रदेश में महिलाएं कितनी सशक्त हैं। आउटरीच कैंपेन में राजीव मिश्रा की उपस्थिति में बहुत सारे ग्राहकों को रिंग सुविधा प्रदान की गई, जो कुल मिलाकर 110 करोड़ की थी। इसमें छोटे बड़े कई ग्राहक जुड़े हुए थे। सभी ग्राहकों ने यूनियन बैंक को धन्यवाद कहा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश में सारी सरकारी योजनाओं का बहुत सफलता से कार्य कर रही है। मेरा नाम राजीव मिश्रा है, मैं मुख्य महाप्रबंधक हूँ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया साम ब्रांच साम वर्टिकल में और केंद्रीय कार्यालय में कार्यरत हूँ। देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि नारी एक बड़ी शक्ति के रूप में है और इसीलिए यूनियन बैंक ने इसको एक पहल के रूप में लिया है कि अब नारी की बारी करके हम लोग एक प्रोग्राम रन कर रहे हैं। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हमारी कोशिश है कि पूरे भारतवर्ष में कम से कम 125 करोड़ लाख लोग नारियों को हम 100 दिन के अंदर लोन की पोषण करें, वित्तीय पोषण प्रदान करें। और इसके तहत विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत, जैसे कि हमारी जो फ्लैगशिप स्कीम है यूनियन नारी शक्ति, उसके अंतर्गत उनको वित्तीय पोषण देते हैं और कोशिश है कि जितनी भी महिलाएं हैं उनको मेन स्ट्रीम में जोड़ें और उनके जो व्यवसाय है उसको आगे बढ़ाने के लिए यूनियन बैंक इसमें अपना अग्रिम भूमिका निभाए। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।